रक्त की गंगा में है, रक्त की बहती गंगा में खुद की मौत होती है। द्वार पर अभिमन्यु और जयदर के बीच भीषण युद्ध चलता हुआ। एक बार फिर से बता दें, चक्रव्यूह का ये मंचन जो है तलनापुर रुद्रप्रयाग जनपद के तलनापुर क्षेत्र के बावई गांव में आयोजित किया जा रहा है और भारी भरकम संख्या में यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। दूर दराज के लोग यहां पर इस चक्रव्यूह का मंचन देखने पहुंचे हैं। Ah!
अपने खूबसूरत वादियों के बीच बसाई बावई गांव, जिसके ठीक सामने हिमालय राज की बर्फीली चोटियां भी आपको देखने को मिल रही हैं। और इस भव्य प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य बावई गांव के इन खेतों में ये चक्रव्यूह का मंचन हो रहा है। आप देख सकते हैं 29 दिसंबर को जो यहाँ पर कमल व्यूह का मंचन होगा, उस व्यूह की रचना भी पहले ही कर दी गई है। बहुत ही दिव्य तरीके से बनाया गया ये व्यूह, और आज तो फिलहाल आप चक्रव्यूह मंचन का दृश्य देखिए। चक्रा भूमि
बावई गांव की संभ्रांत जनता का, सभी बाहर से आए लोगों का स्वागत। वो दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं जहां पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं कुछ दिनों बाद, और 29 तारीख को यहां पे कमल व्यू का रंजन होगा, मंचन होगा। महाभारत में ये आपको वर्णन मिलता है कि शिष्टाचार सिखाया था और ये विद्या आपने जाने, अभी हमारे दरबार साहब ने भी कहा था कि ये जो संस्कार है
ये घर के संस्कार ये जीवन भर हमारे साथ चलते हैं और उन्हीं संस्कारों का परिचय देते हुए यहाँ पर अभिमन्यु ने अपने गुरु को प्रणाम किया था, गुरु द्रोण को प्रणाम किया था और उसी प्रणाम के साथ उनकी जो वार्ता जो होती है वो यहाँ पर है। ये दादाजी तुम्हारी पुत्रों माँ मैं कर दूँ प्रणाम, जो भी को धगुदी हर भड़ों को चकाम, मैं अर्जुन को भूल सुमधा को लाडलो अभिमन्य सबो, आज मैंने सुनी मैंने स्वर्ण चक्र मारे धन्यवाद आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। और इस तरह से जो है वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले द्वार को भेद कर चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अब छह द्वार तक वो सभी द्वारों को भेदते हुए अंतिम सातवें द्वार में जो कौरव दल से जो योद्धा हैं वो अभिमन्यु को छल और कपट के साथ उसको घेर कर उसका वध करते हैं और उसके बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। 29 तारीख को इसी थाती पर इसी गांव में कमलव्यूह का मंचन किया जाएगा जिसमें पांडव दल द्वारा अर्जुन द्वारा जयदत्त का वध किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का 29 तारीख को ग्राम सभा भाव में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद।